हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप थंबनेल में देख चुके हैं, कार्टून वीडियो बनाकर आप यहां से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको कार्टून वीडियो बनाकर नहीं दिखाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों आप पैसा कार्टून वीडियो से ही कमाएंगे। अब दोस्तों कैसे कमाएंगे, वो सारी प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आपको कार्टून वीडियो बनाना आता है या नहीं आता उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आप कार्टून वीडियो से ही पैसा कमाएंगे। अब कैसे कमाएंगे, देखिए दोस्तों, आपको करना है केवल कॉपी और पेस्ट, और एक छोटा सा काम है जिसको आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उस छोटे से काम को देखते हैं तभी आप यहां से पैसा कमा पाएंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप उस काम को देख लेंगे तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी अप्रूव होगा, आप अच्छे से पैसे भी कमाएंगे। अगर आप इस काम को नहीं देखते हैं तो आपके साथ दोस्तों यहां पर क्या होगा, आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकती है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा प्रोसेस समझना है। अगर आप पूरा प्रोसेस नहीं समझते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी भी इसी वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा प्रोसेस समझना है, उसके बाद ही आप चैनल को स्टार्ट करें, वीडियोस को स्टार्ट करें। क्योंकि दोस्तों ये एक छोटा सा काम है, इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका चैनल इजीली मोनेटाइज भी होगा और आप यहां से लाखों से अर्निंग भी करेंगे। आपको केवल कॉपी और पेस्ट करना है और एक छोटा सा काम है उसको करना है। इन तीनों चीजों को करके आप यहां से इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अब दोस्तों किस तरीके से आपको यहां पर कॉपी पेस्ट करना है, आखिरकार वो छोटा सा काम कौन सा है, अब दोस्तों इस चीज को अब आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं सबसे पहले आपको एक चैनल दिखा देता हूं जहां से आपको कार्टून वीडियो यूज करनी है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको सर्च बार में क्लिक करना है और सर्च कर लेना है फ्रेम ऑर्डर। दोस्तों फ्रेम ऑर्डर जैसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर एक चैनल आ जाता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर देखिए आपको वीडियोस वाले सेक्शन में आना, और यहां पर आपको बहुत सारी कार्टून वीडियोस देखने को मिल जाएंगी लॉन्ग फॉर्मेट में। तो अब आपको करना क्या है, देखिए एक वीडियो यहां पर तकरीबन 9 या 9-10 मिनट की है, 9 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसी है। अब दोस्तों एक वीडियो में से आप अपनी कम से कम 10 शॉर्ट वीडियो यहां से रेडी कर सकते हैं। इन एक लॉन्ग वीडियो में यहां पर 10 पार्ट हैं, इस एक लॉन्ग वीडियो में आप जिससे अपनी शॉर्ट वीडियो तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए वीडियोस कितनी हैं, 661 वीडियोस हैं। तकरीबन दोस्तों 661 वीडियोस का मतलब हो गया कि आप यहां से 6600 वीडियो अपनी शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इन्होंने इतनी सारी वीडियोस यहां पर डाल दी हैं और इनके सब्सक्राइबर्स पर आप नजर डालिए, 9.37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके होने वाले हैं। और इनकी वीडियोस की बात की जाए तो इनकी वीडियोस पर व्यूज भी आप देख सकते हैं 2 लाख 3 लाख से ऊपर व्यूज हैं, 1.4 मिलियन, 3,84,000, तो काफी अच्छे व्यूज। और बात की जाए इनकी पॉपुलर वीडियो की जो बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर 71 मिलियन, 65 मिलियन, 61 मिलियन, तो काफी अच्छे व्यूज है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, किस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करना है और वो कौन सा छोटा सा काम है जिसको यूज करके आपका चैनल इजीली मोनेटाइज भी होगा और आप यहां से अर्निंग भी शुरू कर पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको यहां पर वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं वीडियो को प्ले करता हूं तो आप देखिए यहां पर क्या होता है कि वीडियो स्टार्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूं, तो फास्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर क्या होता है, वीडियो स्टार्ट हो गया, एक बंदा ही खड़ा हुआ है यहां पर, इसके पास हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब देखिए यहां पर इसने क्या लिखा है, ये हेल्प लिखना चाह रहा है, तो अब देखिए यहां पर इसको पढ़ाई भी याद आ जाती है, तो अब देखना ये होगा कि आगे ये क्या करता है। अब देखिए वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बाद आगे ये वीडियो चल रहा है, अब इसको आगे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहा है, इसने यहां पर सीडी भी फेंका और ये यहां से चले गए। तो अब देखिए दोस्तों यहां पर आगे क्या होता है, हम इसको यहां पर और थोड़ा सा आगे करते हैं। आगा करने के बाद यहां पर देखिए हेलीकॉप्टर उतारना ही ये भूल गया, इसमें इतना बता रहा है। तो अब देखिए एक पार्ट ये हमारा यहां पर रेडी हो चुका है शॉर्ट वीडियो का, यानी कि दोस्तों ये छोटी सी क्लिप है, यहां पर इतना क्लिप को यहां पर यूज करते हैं हम, तो ये हमारी एक शॉर्ट वीडियो रेडी हो जाएगी। देखिए यहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो हमारा यहां तक एक शॉर्ट वीडियो बन गया। अब यहां से दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, यानी कि इस एक शॉर्ट एक वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में आप 10 शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप इजीली समझ चुके होंगे मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप इस एक लॉन्ग वीडियो में से अपनी 10 शॉर्ट वीडियो तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो समझ लीजिए।
सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक लॉन्ग वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मान लीजिए इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर इलीगल है, यूट्यूब पर आप ये बता नहीं सकते हैं, नहीं तो वो मेरे ही चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा अगर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको कैसे भी यहाँ से इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से आ जाना है अपने होम पेज पर। अब दोस्तों आपको एक एडिटर ऐप की जरूरत पड़ने वाली है, जिस भी एडिटर ऐप से आप अपनी वीडियो यहाँ पर एडिट करते हैं तो उसको आपको ओपन कर लेना है। मैं अपना VN ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं सेव पर क्लिक और अपने वीडियोस वाले फॉर्मेट में हम चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से एक वीडियो को डाउनलोड कर लिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको करता हूँ यूज़ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी जो वीडियो है वो हमारी टाइमलाइन में आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो हमारी टाइमलाइन में आ चुका है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ से सबसे पहले हम वीडियो को प्ले करते हैं। देखिए हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट है। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमें काटने में यहाँ से आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है। हम थोड़ा सा आगे और करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर जहाँ पर क्रैश हो रहा है हमें वहाँ पर अपनी वीडियो को रोकना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हम और आगे करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा पहला शॉर्ट वीडियो का जो पार्ट है वो खत्म होता है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसको करते हैं ट्रिम। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा पार्ट है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ से हम कर देते हैं इसको स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद दोस्तों एंड वाले पार्ट को कर देते हैं हम डिलीट। डिलीट करने के बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट का ब्लैक पार्ट है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा पहला जो पार्ट है शॉर्ट वीडियो का वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा एक पार्ट यहाँ पर कितने मिनट का है, 1 मिनट 8 सेकंड का है। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग फॉर्मेट में जा रहा है, तो आपको करना क्या है आगे से थोड़ा सा वीडियो यहाँ से ट्रिम कर लेना है तकरीबन 8 सेकंड का। तो हम यहाँ से कोई 8-10 सेकंड का वीडियो ट्रिम कर लेते हैं, जैसे कि 9 सेकंड का हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं सबसे पहले आगे से। अब आगे से यहाँ से इस एक्स्ट्रा पार्ट को कर देते हैं डिलीट। तो अब देखिए दोस्तों 1 मिनट से छोटा हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, जो कि दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो बन चुका है। तो दोस्तों अब आपको यहां पर करना क्या है, आपको यहां पर ही वो छोटा सा काम करना है जो मैं आपको बता रहा था, जिससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपको यहीं पर वो एक छोटा सा काम करना है। करना क्या है देखिए दोस्तों, आप लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो डालने वाले हैं तो आपको यहां पर ओरिजिनल पर क्लिक करना है। और ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद आपको करना है 9:16 रेशो पर क्लिक। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीडियो है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इसको हम कर लेते हैं यहां से थोड़ा सा जूम आउट। जूम आउट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म में हम वीडियो रेडी कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको करना है टेक्स्ट का यूज। टेक्स्ट का यूज क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट में क्रेडिट बाय लिखना है जो वीडियो आपने यूज किया है उस चैनल का नाम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रेडिट बाय, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट बाय और थोड़ा सा एक एरो लगा देते हैं क्रेडिट बाय फ्रेम ऑर्डर, यानी कि दोस्तों उस चैनल का नाम है फ्रेम ऑर्डर। इतना लिखने के बाद दोस्तों हम इसको कर देते हैं नीचे सेट, और नीचे सेट करने के बाद इसको देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर एक टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब दोस्तों दूसरा टेक्स्ट आपको क्या यूज करना है, दूसरा करना है आपको कोई भी इंगेजिंग टेक्स्ट जो कि दोस्तों ऑडियंस आपकी देखे तो यहाँ पर रुके। अब देखिए दोस्तों हम इसको पहले तो खींच के लंबा कर देते हैं, जितना बड़ा हमारा वीडियो है उतना यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। अब हमारा ये जो टेक्स्ट है वो पूरा लिख चुका है। इतना करने के बाद दोस्तों इसको कर लेते हैं हम डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक और टेक्स्ट हमारा रेडी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ भी लिख देना है आपको, जैसा ऑडियंस को एंगेजिंग लगे ऐसा आपको कुछ भी लिख देना है। हेलीकॉप्टर वीडियो हम लिख देते हैं, हेलीकॉप्टर वीडियो इतना लिख देते हैं दोस्तों। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको बड़ा कर देना है, और यहाँ पर इसको बीच में एकदम सेट कर देना है। अब दोस्तों देखिए इतना काम हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट का काम है वो खत्म हो चुका है। क्रेडिट बाय फ्रेम ऑर्डर हमने लिख दिया है, जिसने भी इस वीडियो का यूज किया है उसको हमने क्रेडिट दे दिया है। अब दोस्तों एक छोटा सा काम आपको और करना है। यहाँ पर करना क्या है, आपको करना है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे करना है देखिए, म्यूजिक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड वाला ऑप्शन मिलता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑडियो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इस रेड बटन पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों वॉइस ओवर आपको करना कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है कि आखिरकार वीडियो में चल क्या रहा है। देखिए दोस्तों मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। ये दोस्तों एक व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ है, तो यहाँ पर ये कुछ लिख रहा है। तो आपको इसी तरीके से पूरी वीडियो को देखना है कि आखिरकार वीडियो में क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपको यहां पर वॉइस ओवर करना है। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं किस तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी म्यूजिक पर क्लिक करता हूं, रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूं, यहां पर इसको स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले देखिए दोस्तों अब किस तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है वो देख लीजिए।
दोस्तों देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर फंस चुका है और यहाँ पर ये कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये क्या लिख पाता है, एच ई यहाँ पर इसने लिख दिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सोच रहा है कि मैं क्लास में सो रहा था पढ़ाई के टाइम, लेकिन क्या मैं यहाँ पर इसको लिख पाऊंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एच ई तो लिख देता है, लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखता है। तो एच ई पी एल यहाँ पर इसने लिख दिया है, जो कि गलत मीनिंग है हेल्प का, लेकिन दोस्तों फिर भी हेलीकॉप्टर जो चला रहा है व्यक्ति, उसने ये देख लिया है कि कुछ यहाँ पर ये हेल्प मांग रहा है। वो फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर को इधर उधर एक बार घुमाता है और घुमाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस व्यक्ति की हेल्प करता है। देखिए दोस्तों इसको ध्यान आया कि वो हेल्प का मीनिंग था, तो इसने हेलीकॉप्टर दोबारा यहाँ पर बैक किया और इसको यहाँ पर बैठा लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वॉइस ओवर करना है। देखिए यहाँ पर हम राइट मार्क पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा वॉइस ओवर आ चुका है, और जहाँ से आगे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट इसको हम कर देते हैं कट, और डिलीट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। आगे करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा वॉइस ओवर आधा है, क्योंकि दोस्तों मैंने केवल आपको एग्जांपल करके दिखाया है। और दोस्तों इतना करना है आपको, कितना करना है देखिए, यहां पर आपने टेक्स्ट लगा दिया, वीडियो क्रेडिट दे दिया है, और यहां पर कोई एंगेजिंग एक टेक्स्ट भी लिख दिया है, जो कि आपने देखने को मिल जाता है हेलीकॉप्टर वीडियो, और आपने अपना वॉइस ओवर भी कर दिया है। अब दोस्तों आपका कार्टून वीडियो है वो एकदम रेडी हो चुका है, और इसको आपको करना है अपलोड, और अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहां पर वीडियो क्रेडिट में डाल देना है फ्रेम ऑर्डर। इतना करने के बाद आप वीडियो अपलोड करते हैं, तो अपलोड करने के बाद आपका वीडियो है वो अच्छा खासा चलेगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा और अच्छे खासे व्यूज भी आएंगे। इस तरीके से दोस्तों अगर आप वीडियोस को डालते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना ही कोई भी कम्युनिटी स्ट्राइक की दिक्कत आएगी, ना ही दोस्तों आपको कोई भी मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से अगर आप इन वीडियोस को अपलोड करते हैं, इस तरीके से एडिट करते हैं, और यही वो एक छोटा सा काम है जिससे आपको दिक्कत आ सकती थी, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस प्रोसेस को समझ लिया है तो आगे आपको कोई भी चैनल चलाने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इजीली आप यहां से अर्निंग शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों इतना काम करने से आप यहां से इजीली अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अपना जो वीडियो है उसको थोड़ा बहुत आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आप इजीली, जैसे मैंने आपको बताया है प्रोसेस, उसी प्रोसेस से अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका जो चैनल है इजीली मोनेटाइज भी होगा, आप अर्निंग भी शुरू करेंगे, और आपका चैनल है वो काफी बड़ा चैनल यहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज की इस नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नॉलेजफुल एंड इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।